हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो में WCC3 का फुल वर्जन रिलीजिंग डेट के बारे में आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दोस्तों आज के वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा WCC3 का फुल वर्जन रिलीजिंग डेट कब रिलीज होगा, आप लोगों को कब WCC3 का फुल वर्जन देखने के लिए मिल जाएगा अपडेट। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों, उससे हम मोटिवेट होते हैं और आप लोग ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को जल्दी से जल्दी अपडेट के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को डेट बताने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, आप लोगों को ही पता चल जाएगा कब मिलने वाला है WCC3 का फुल वर्जन। तो दोस्तों, WCC3 का नेक्स्ट अपडेट हम लोगों को मिलने वाला है मिड अगस्त पर, ये बात मैंने भी आप लोगों को पहले ही बता दिया दोस्तों, लेकिन अभी बताने का कुछ कारण है दोस्तों। WCC3 का हम लोगों को मिलने वाला है मिड अगस्त पर, वो भी अपडेट है दोस्तों। जब हम लोगों को ये आर्टिकल छपा गया, हम लोगों को एक ही बात बताया कि WCC3 का हम लोगों को फुल वर्जन नहीं मिलने वाला, हम लोगों को सिर्फ अपडेट मिलने वाला है, वो हम लोगों को मिड अगस्त पर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, मतलब बहुत सारे लोगों ने, बहुत बड़े यूट्यूबर्स ने भी बोल गया कि WCC3 का फुल वर्जन हम लोग को मिड अगस्त पर मिलेगा ही, वो बात भी सही है दोस्तों। वो उसके पीछे भी एक छोटा सा कारण है दोस्तों, मतलब कुछ दिनों पहले हम लोग को एक पोस्ट किया दोस्तों WCC3 ने, वो फोटो मैंने आप लोगों को दिखाया दोस्तों। WCC2 आ गया, अभी WCC3 का फुल वर्जन आने का समय आ गया, ऐसा कर एक पोस्ट डाला दोस्तों, आप इधर देख सकते हो स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इसका मतलब एक ही होता है WCC2 का जब फुल वर्जन मतलब अभी मिल गया, अभी WCC3 का फुल वर्जन हम लोग को मिलने का वक्त आ गया, ऐसा करके WCC3 ने कह दिया दोस्तों। मतलब इसका अर्थ वही है, जो भी है हम लोग को वही दिखता है, मतलब WCC3 का फुल वर्जन ही हम लोग को मिल जाने वाला है, ऐसा करके। मतलब देखो दोस्तों, WCC3 ने हम लोग को कन्फर्मली नहीं कहा दोस्तों, हम लोग को WCC3 का फुल वर्जन मिलने वाला है, हम लोग को WCC3 का भी नेक्स्ट अपडेट भी मिल सकता है दोस्तों, लेकिन माहौल ऐसा बन गया कि WCC3 का फुल वर्जन ही हम लोग को मिलने वाला है, लेकिन हम लोग को WCC3 का नेक्स्ट अपडेट भी मिल सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, उस पोस्ट में हम लोग को बताया गया है कि WCC3 का फुल वर्जन आने वाला है, मतलब बिल्कुल ही कंफर्म तरीके से नहीं बताया दोस्तों, मतलब ऐसे इनडायरेक्टली बताया गया है दोस्तों, मतलब हो भी सकता है ना भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन जब हम लोग को पहले एक आर्टिकल छपा, मतलब WCC3 का CEO के तरफ से ही मतलब एक आर्टिकल छपा दोस्तों, उस आर्टिकल में बताया गया है कि हम लोग को अपडेट मिलने वाला, बल्कि मतलब फुल वर्जन नहीं मिलने वाला, WCC3 का फुल वर्जन हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा, ऐसा करके उस मतलब उस आर्टिकल में छपा दोस्तों। लेकिन अभी एक पोस्ट कंफर्म कर रहा है कि WCC3 का फुल वर्जन आएगा, लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है, मतलब अगस्त मिड पर जो मिलने वाला है हम लोग को अपडेट मिल सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि WCC3 का फुल वर्जन भी नहीं आ सकता, WCC3 का फुल वर्जन भी आ सकता है दोस्तों। देखो दोस्तों, WCC3 का फुल वर्जन मतलब आने का ऐसा डायरेक्टली मतलब कंफर्मली कोई न्यूज नहीं आया दोस्तों, मतलब जो भी अभी तक यूट्यूबर्स बता रहे हैं WCC3 का फुल वर्जन आने वाला है, मतलब नहीं भी हो सकता दोस्तों, हम लोग को अपडेट मिल सकता है, क्योंकि अगर हम आर्टिकल की तरफ से ले ले तो हम लोग को अपडेट मिलेगा। अभी पोस्ट, अभी नया नया पोस्ट आया, हो सकता है WCC3 का फुल वर्जन भी कंप्लीट हो गया होगा, इसीलिए WCC3 ने हम लोग को एक पोस्ट दे दिया, उसमें हम लोग को कंफर्म कर रहा है कि WCC3 का फुल वर्जन आएगा। लेकिन दोस्तों, हम लोग को ये भी हो सकता है इस मंथ में नहीं, हम लोग को अगले मंथ में देखने के लिए मिल सकता है WCC3 का फुल वर्जन, ये मंथ में हम लोग को अगस्त मिड में हम लोग का अपडेट देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। दोस्तों, अभी कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, तो मतलब आप लोग ऐसा मत समझो कि WCC3 का फुल वर्जन ही मिलेगा हमको, हम लोग को अपडेट भी मिल सकता है दोस्तों और फुल वर्जन भी मिल सकता है दोस्तों। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि WCC3 का फुल वर्जन नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है दोस्तों। दोस्तों, अभी तक जो भी यूट्यूबर्स ने, बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स ने फुल्ली कन्फर्मली कह दिया दोस्तों, WCC3 का फुल वर्जन ही मिल जाएगा, हम लोग को फुल वर्जन मिल जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है, हम लोग को फुल वर्जन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता दोस्तों। मतलब वो लोग क्या है, मतलब अंदाजे से बोल रहे हैं दोस्तों, मतलब फुल्ली कन्फर्मली कोई भी नहीं बोल रहा है कि फुल वर्जन मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो पोस्ट मतलब हम लोग को अभी मिल सकते हैं या अगले मंथ में भी मिल सकते हैं दोस्तों। आप आर्टिकल जगह से देखते हैं तो हम लोग को अपडेट नहीं, मतलब फुल वर्जन नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आप पोस्ट की तरफ से देखते हो तो अपडेट मतलब फुल वर्जन मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा वो नहीं बताया दोस्त। अगर ये भी ये मंथ भी मिल सकता है, ये का मतलब इसके बाद का मंथ भी मिल सकता है दोस्तों, ये हम लोग को अगले महीने भी मिल सकता है दोस्तों। तो ऐसा मत समझो हम लोग को WCC3 का फुल वर्जन ही मिलने वाला है दोस्तों। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने फुल्ली कन्फर्मली कह दिया, लेकिन मैं आप लोगों को फुल्ली रियली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों, मतलब जो भी पोस्ट आया, मतलब WCC3 का जो जो इन्फॉर्मेशन आया। तो दोस्तों, इसका WCC3 का मतलब जो जो पोस्ट आया, जो जो इन्फॉर्मेशन आया, मतलब उसके
कंपनी से जो जो इन्फॉर्मेशन आए वो मैं आप लोगों को बताया दोस्तों। मतलब मैंने मतलब अंदाजे से नहीं बताया कि हमको WCC3 का फुल वर्जन मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता दोस्तों। तो आज 14 अगस्त है दोस्तों, कल 15 अगस्त है, कल पता चल जाएगा। मतलब हम लोग को कल ही अपडेट मिलेगा ऐसा भी नहीं बताएगा दोस्तों। मिड अगस्त में मिलेगा, मिड अगस्त में, मतलब मिड में हम लोग को मिल सकता है 15-18 इस तारीख के बीच में हम लोग को मिल सकता है दोस्तों। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग को WCC3 का फुल वर्जन देखने के लिए मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता दोस्तों। तो इसीलिए बहुत सारे यूट्यूबर्स ने हम लोग को मिल जाएगा कंफर्म न्यूज भाई बता दिया दोस्तों। और कुछ यूट्यूबर्स तो हम लोग को 24 आवर्स में ही मिल जाएगा, ऐसा कर भी बहुत सारे वीडियो बनाया दोस्तों। तो ऐसा फुल वर्जन हम लोग को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता दोस्तों। तो ऐसा यूट्यूबर्स के चक्कर में आप नहीं पड़े तो अच्छा रहेगा आप लोगों को। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो जल्दी से जाओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, उससे हम मोटिवेट होते हैं और आप लोग ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं दोस्तों। दोस्तों हम पूरा जेन्युइन तरीके से बताएंगे दोस्तों, आप लोगों को पूरा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मतलब कंपनी की तरफ से आया, मैंने आज का वीडियो में आप लोगों को पूरा कन्फर्मली बताएगा दोस्तों। WCC3 ने ऐसे कोई भी कन्फर्म न्यूज हम लोग को नहीं बताया कि WCC3 का फुल वर्जन ही आएगा, तो मतलब इसका चक्कर में नहीं पड़ा है, तो नहीं पड़ेंगे तो ये आप लोगों को बेहतर होगा दोस्तों। हमको आप लोगों को एक्साइटमेंट हो जाएगा और आप लोगों को WCC3 का फुल वर्जन अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग मतलब बुरा मान जाएंगे। तो दोस्तों मैंने जो भी कुछ मतलब कंपनी की तरफ से आया वो सब इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों। तो मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ दोस्तों, तो इसके लिए हमको सब्सक्राइब करना तो बनता ही दोस्तों। तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, मतलब बहुत लोगों को WCC3 का फुल वर्जन आएगा ऐसे लोगों को भी मतलब शेयर करो दोस्तों। जो आपके दोस्त है उन लोगों को शेयर करो दोस्तों, मतलब जो जो WCC3 का फैन है, बहुत बड़ा फैन है, मतलब उन लोगों को WCC3 का फुल वर्जन आने जैसा लग रहा है, उन लोगों को ये वीडियो शेयर करो दोस्तों कि सही इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है अगले वीडियो में दोस्तों। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा दोस्तों, अलविदा।